Hello children, how are you? Fine. Okay, now today we are going to start chapter 5, the way the words look. Here the chapter based on a different view. Top view, front view, back view, side view. कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसको आप देखोगे ऑब्जेक्ट लुक डिफरेंटली इन शेप एंड साइज व्हेन यू सी देम फ्रॉम डिफरेंट व्यू एंड डिस्टेंस मींस कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखोगे डिफरेंट वे से मतलब डिफरेंट वे से व्यू से और डिस्टेंस से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आप नजदीक से देखोगे तो आपको क्लियरली अच्छे से दिखाई देगी बट अगर दूर से देखोगे तो वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी उसमें सम जो स्मॉल स्मॉल चीजें होगी वो आपको दिखाई नहीं देगी राइट तो इस तरह से कोई भी चीज जो है उसका डिफरेंट आपको लुक्स दिखाई देगा हियर वन आई हैव अ कार आपकी बुक्स में भी सम एग्जांपल दिए गए हैं स्टोरी दी गई है तो वो व्यू की दी गई है राइट तो यहाँ पे मेरे पास भी एक कार है अब ये कार जो है अगर आप कार नीचे से आप सामने से देखोगे अगर आपने सामने से कार को देखा तो कैसे दिखाई देगी ऐसे दिखाई देगी राइट तो इट इज कॉल्ड अ फ्रंट व्यू ऑफ अ कार अब फ्रंट व्यू में आप देखोगे तो उसके हाउ मेनी व्हील्स टू व्हील्स यू कैन सी टू व्हील्स ऑल्सो पीछे के जो बैक साइड के जो टू व्हील्स है आपको नहीं दिखाई देगी दिस व्यू इज अब बैक साइड तो यहाँ पे आपको टू व्हील्स दिखाई देंगे आगे आगे का आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा मीन्स यहाँ पे आपको मिरर जो ग्लास है वो नहीं दिखाई देगा आगे का जो है वो नहीं दिखाई देगा ये दिस इज द बैक राइट देन दिस इज द साइड हियर यू कैन सी ऑल्सो टू व्हील्स ऑनली सो कार के हैव यू सीन अ कार सो कार हैज अ हाउ मेनी व्हील्स फोर व्हील्स राइट तो यहाँ पे ऑनली आप टू व्हील्स देख पाओगे दूसरे व्हील्स नहीं देख पाओगे देन अगर कार को ऐसे देखोगे ऊपर से अगर आपके घर में कार नीचे खड़ी है और आप टेरेस के ऊपर जाओ और फिर यू कैन सी अ कार फ्रॉम टेरेस तो अगर आप टेरेस से देखोगे तो क्या कैसे दिखाई देगी ऐसी कार दिखाई देगी आपको राइट तो इट इज कॉल्ड टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तो टॉप व्यू तो यहाँ पे तो ओनली आपको इसका टॉप पार्ट जो है वही दिखाई देगा व्हील्स भी नहीं दिखाई देंगे या फिर और कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा राइट दिस इज कॉल्ड पीछे वाला उसका जो पार्ट है नीचे वाला है राइट तो इस तरह से ऑल व्यूज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे इस तरह से आई हैव अ कंपास बॉक्स राइट तो कंपास बॉक्स में भी इट इज कॉल्ड टॉप राइट इट इज कॉल्ड साइड व्यू ये जो है वो आपका साइड व्यू है राइट ये है बैक व्यू पीछे का जो है वो बैक व्यू है राइट तो इस तरह से इसका भी टॉप व्यू साइड व्यू राइट तो अगर टॉप व्यू में देखोगे तो ये ऊपर का ही पार्ट दिखाई देगा पीछे का साइड का पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा ऐसे यहाँ पे आई हैव अ बाउल सो बाउल में अगर मैंने ऐसे देखा तो ये किस तरह से दिखाई देगा आपको इस तरह से दिखाई देगा राइट बट अगर मैंने टॉप व्यू से उसको देखा तो ओनली आपको यही पार्ट दिखाई देगा तो ऐसा अगर ये पार्ट दिखाई देता है तो कैसे दिखाई देगा तो यहाँ पे ओनली आपको इसी तरह से ये दिखाई देगा और अगर आपने बैक साइड अगर लिया तो क्या दिखाई देगा तो उसमें भी यही आपको इसी तरह से राइट तो इस तरह से जिस तरह से आपको व्यू दिखाई दे इस तरह से आपको ड्रॉ करना होता है राइट तो कौन सी चीज कैसे दिखाई देती है वो पता चला आपको हियर इन योर वर्कबुक सो मेनी थिंग्स गिवन हियर सी फनल तो यहाँ पे वो साइड व्यू दिया है और ये इसका टॉप व्यू है यहाँ पे लॉग ऑफ वुड है तो उसका साइड व्यू है टॉप व्यू है फिर थर्मस दिया है तो उसका ये जो है वो उसका साइड व्यू है बट अगर टॉप व्यू से आप देखोगे तो किस तरह से दिखाई देगा इस तरह से दिखाई देगा
बैट है, तो बैट का भी ये टॉप ओनली उसका स्मॉल सा पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से सबका साइड व्यू और टॉप व्यू दिखाई देता है। यहाँ पे साइड व्यू टॉप व्यू आपको ड्रॉ करना है। स्पून है तो ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू। पेंसिल तो ये साइड व्यू है उसका टॉप व्यू। इस तरह से सबका टिफिन बॉक्स है तो ये साइड है, ये टॉप व्यू। टेबल, टेबल आपने साइड से देखा तो इस तरह से टू लेग्स दिखाई देंगे, बट टॉप से आप देखोगे तो उसका ओनली ऊपर वाला पार्ट ही आपको दिखाई देगा। राइट, नाउ सी पेज नंबर वर्कबुक में पेज नंबर 66। द टॉप व्यू ऑफ अ क्लासरूम इज शोन बिलो। राइट द नेम इन द एम्प्टी बॉक्सेस ऑफ द क्लासरूम ऑब्जेक्ट शोन बाय द एरो। यहाँ पे आपको एरो दिया गया है, यहाँ पे सी, और यहाँ पे आपको क्या है, इट इज डोर, यर डोर, देन इट इज अ ब्लैक बोर्ड, इट इज अ टेबल, देन यर चेयर, देन डोर, डोर, फोर डोर्स है। राइट, तो इस तरह से अगर टॉप आपका क्लास भी अगर देखोगे, आपका घर, आपका जो होम है वो भी आप देखोगे तो इसी तरह से दिखाई देगा। अभी आपने देखा होगा कि नावाडेज इन अ मैरिज या फिर कोई भी चीज होती है तो टॉप व्यू से देखते हैं। कैसे देखते हैं, ड्रॉन से देखते हैं ना। तो कभी कभी शादी में भी आप पूरा व्यू जो है वो ड्रॉन से दिखाया जाता है या ड्रॉन से कोई भी चीज वो हाईलाइट किया जाता है। राइट, तो इसी तरह से टॉप व्यू कोई भी चीज हो उसका हम टॉप व्यू भी ले सकते हैं। पावागढ़ है, इसी तरह से कोई भी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसका भी टॉप व्यू आपने देखा होगा। कभी कभी टीवी के भी ऊपर भी सब व्यू दिखाई देते हैं, व्यू साइड व्यू दिखाई देता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू लेकर भी आपको दिखाई देता है। कभी कभी कहाँ पे अगर वो होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अर्थक्वेक होता है, ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे भी ड्रोन से आपको सब कुछ टीवी पे न्यूज में दिखाया जाता है। राइट, देन क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग थिंग्स इन द पिक्चर गिवन बिलो लुक वाइड एंड बिग फ्रॉम वन एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। वाह, बिकॉज कोई भी चीज होती है अगर आप नजदीक से देखोगे तो वो वाइट दिखाई देगी। द साइड्स व्हिच इज नियर टू अस लुक्स वाइडर, जब नजदीक से देखते हैं तो वो हमें वाइडर मीन्स बिग दिखती है। एंड द साइड व्हिच इज द फर्दर फार्दर टू अस लुक नैरो एंड स्मॉल। नैरो मीन्स स्मॉल, नजदीक जाते हुए दिखेगी और जब नजदीक होगी तब आपको वाइट दिखाएगी। जैसे कि ये रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक ये जो है वो फ्रंट व्यू है और टॉप व्यू है। अगर ऊपर से देखोगे तो ये रेलवे ट्रैक आपको इस तरह से दिखाई देगी, बट अगर रेलवे ट्रैक के ऊपर आप यहाँ पे अगर खड़े हो, अगर आप यहाँ पे हम खड़े रहेंगे और फिर रेलवे ट्रैक को आप देखोगे तो नजदीक में जहाँ पे आपके सामने होगी वहां पे ये वाइट दिखेगी, बट जैसे ही आप दूर तक अगर देखोगे तो वहां दूर तक आप जाओ देखोगे तो आपको वो जो ट्रैक है कहीं आगे जाके ऐसे आपको मिलती हुई दिखाई देगी। राइट, तो जैसे ही आपसे दूर जाती है, फार्दर जाती है, तो वो नैरो होती जाती है, नैरो आपको दिखाई देगी। इसी तरह से यहाँ पे ये कैंडल का आपको एग्जाम्पल दिया गया है वर्कबुक में, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, जो आगे जो नियम है वो आगे आपको दूर दिखाई देगी, फिर जैसे भी वो दूर जाएगी तो वो आपको कैसे दिखाई देगी, नैरो दिखाई देगी। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये सब दिया गया है। राइट, फिर आपकी जो बुक से मैन द टॉप व्यू ऑफ द गर्ल डूइंग योगासन विद द एप्रोप्रिएट, यहाँ पे व्यू आपको चेक करना है। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर आर द पावर अपसाइड डाउन, अपसाइड जो है वो डाउन है, ऐसे पिक्चर्स पे आपको राइट करना है। मैच द पेयर ऑफ द पेजेस ऑफ द साइड व्यू एंड टॉप व्यू। राइट, ड्रॉ द साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ द शूज एज शोन बिलो। यहाँ पे शूज जो है उसका साइड व्यू और क्या करना है, फ्रंट व्यू आपको ड्रॉ करना है। यह क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो।
यहाँ पे टॉप व्यू आपको दिखाई देता है, राइट। विच गेट इज नियरेस्ट, तो यहाँ पे गेट है, गेट ए, गेट बी, गेट सी, गेट डी। विच गेट इज नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप, हियर इज अ स्वीट शॉप, सो विच गेट इज अ नियर ए, राइट, तो आंसर इज अ गेट ए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच गेट इज नियरेस्ट टू द गप्पूज हाउस, वेर इज गप्पूज हाउस, गप्पूज हाउस इज हियर, सो विच गेट इज नियर सी, राइट। वेन सुहासिनी एंटर्ड द पार्क, द फ्लावर बेड वॉज टू राइट फ्रॉम द विच गेट डिड सी एंटर, कौन से गेट से वो एंटर होगी, तो फ्लावर गेट उसके राइट साइड पे होगा, तो सी हियर, फ्लावर बेड इज हियर, सो उसको कहाँ से एंटर होना पड़ेगा, गेट डी से, गेट डी से वो अगर इस तरह से एंटर होगी तो उसके राइट साइड के ऊपर फ्लावर बेड आएगा, राइट। टू विच साइड ऑफ योर्स विल द बेंच बी, इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी, अगर गेट बी से आप एंटर होगे तो वो कहाँ पे होगी, बेंच कहाँ पे होगी, तो एंटर बी से आप एंटर होंगे तो बेंच कहाँ पे, आपकी लेफ्ट साइड पे है, राइट। विच ऑफ दिस इज द नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी, गेट सी से अगर आप एंटर होंगे तो आपके नसीब में क्या होगा, तो क्या होगा, सी सो, राइट, यहाँ पे सी सो है। देन टू विच साइड ऑफ योर्स विल द स्वीट शॉप बी इफ यू एंटर फ्रॉम गेट ए, गेट ए के अगर आप एंटर होंगे तो स्वीट शॉप कहाँ पे है, एंड गेट ए से अगर एंटर होंगे तो स्वीट शॉप कहाँ है, राइट साइड पे, राइट। विच ऑफ दिस इज द नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी, अगर गेट बी से आप एंटर होंगे तो विच थिंग नियर फ्लावर बेड, राइट चिल्ड्रन। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डिफरेंट व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने देखा, राइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट वीडियो, बाय।